मैं दीपक तिवारी आपका मैथ मस्ती चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने जैन धर्म पर डिस्कस किया था, आज हम इतिहास में बौद्ध धर्म पर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, तो दोस्तों देखेंगे आज बौद्ध धर्म पर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आता है कि बौद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध शब्द का अर्थ होता है जागृत होना या प्रकाशमान होना, यानी कि जिस प्रकार प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है, उसी प्रकार जो बौद्ध के उपदेश थे सभी अधिकतर एशिया महाद्वीप में फैल गए, इसलिए इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। याद रखना, जैन धर्म जब अपन ने पहले पढ़ा था, जैन धर्म जो थे महावीर स्वामी के पिता का भी क्या नाम था? सिद्धार्थ। लेकिन ये दोनों अलग अलग थे। तो यहां देखेंगे बौद्ध धर्म में संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश पुंज। अब देखेंगे गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट। कपिल वस्तु एक स्थान था, कौन से वन में हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में, नेपाल में हुआ था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन देशों में आता है तो किस देश में हुआ था दोस्तों? इनका जन्म भारत में ना होकर किस देश में हुआ था? नेपाल देश में हुआ था। कपिल वस्तु स्थान था और वन कौन सा था? लुम्बिनी वन था। इसके बाद आता है इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कौन थे? जो शाक्य कुल के प्रधान थे। पिता कौन थे? सुद्धोधन। इसके बाद देखेंगे इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। माँ की जो माया होती है वो महान होती है, इसलिए इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। इसके बाद देखेंगे इनका पालन पोषण। देखो दोस्तों, होता क्या है, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, इसलिए इनका जो लालन पालन पोषण कौन करता है? इनका लालन पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है, जो इनकी माँ भी थी और मौसी भी थी, इन्हें जिसे सौतेली माँ भी कहते हैं। आगे देखेंगे इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन रहता है यशोधरा और यशोदा में। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। इसको यश कैसे याद करेंगे? अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म की कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा धर्म फैला हुआ है? बौद्ध धर्म। अधिकतर एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो कंट्री है किस धर्म को फॉलो करती हैं? बौद्ध धर्म को। उसी प्रकार उनकी पत्नी में भी थोड़ा विस्तार हो गया, तो यशोदा ना होकर वो क्या हो गई? यशोधरा। यहाँ देखेंगे इनके बालक यानी कि इनके लड़के का क्या नाम था? इनके लड़के का नाम था राहुल। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। और कुशीनगर किस महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी? कुशीनगर मल्ल महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, जिसे कुशाब्दी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान इसकी पोजीशन क्या है? यूपी। दोस्तों यह भी आया हुआ क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। और बौद्धों की प्रमुख भाषा क्या मानी जाती है? बौद्धों की प्रमुख भाषा पाली भाषा मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? पाली। दोस्तों गौतम बुद्ध 4 दृश्यों को देखकर इनके मन में सन्यासी होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति। चौथा कौन सा है? सन्यासी। ये भी आता है पेपर में क्वेश्चन, किन स्थितियों को देखकर इनके मन में है ना सन्यासी होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई? इसको कैसे देखेंगे? जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा दोस्तों, तो बूढ़ा व्यक्ति क्या होगा? बीमार भी होगा।
जब वो बीमार होगा तो बीमारी के दौरान उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इन अवस्थाओं को देखकर क्या उनके जीवन में किसकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, सन्यासी। तो इन चारों दृश्यों को उन्होंने देखा था तो इनके मन में सन्यासी होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी। अच्छा, इनके जन्म से पहले ही एक कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने इनके सन्यासी होने की घोषणा कर दी थी कि आपका पुत्र क्या होगा, सन्यासी होगा। अब देखेंगे इनके गृह त्याग की स्थिति। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग किया। कितनी वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग किया। जब इन्होंने घर का त्याग किया तो उस अवस्था को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तीनों अवस्थाएं आती हैं दोस्तों, एक कि जब इन्होंने घर का त्याग किया तो इस अवस्था को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कितनी साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के स्थान के कौन सा स्थान था, कौन सी नदी थी। तो ज्ञान प्राप्ति में देखेंगे इन्हें गया के निकट, मगध में गया के निकट उरबेला नामक वन में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में। नदी कौन सी थी, निरंजना नदी के किनारे। नदी कौन सी होगी, निरंजना। जबकि जैन धर्म में नदी कौन सी थी, महावीर स्वामी की, ऋजुपाल का। इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष, जिसे आगे जाकर बोधि वृक्ष के नाम से संबोधित किया गया। जबकि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, शौल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा बताया जाएगा, है ना। अब दोस्तों देखेंगे कि अब जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो अब ज्ञान प्राप्ति वाला इंसान क्या करेगा, उपदेश देगा। तो ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, यानी कि इनका जो प्रथम उपदेश दिया इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के बिल्कुल पास पड़ता है। तो इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे दिया फ्रेंड्स, सारनाथ में दिया, जो कि बिल्कुल इलाहाबाद के पास स्थित है। किस भाषा में दिया, पाली भाषा में, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ रखा था कि बौद्धों की प्रमुख भाषा कौन सी होती है, पाली होती है। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, ये भी कई बार पूछा गया है। इन्होंने जो सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ दिए हैं फ्रेंड्स, श्रावस्ती में। श्रावस्ती भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, इनकी माता थी, जिनका क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। इसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैसे अपन ने पढ़ रहा था जैन धर्म के त्रिरत्न, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बौद्ध शब्द आया ना, बौद्ध, तो बौद्ध से ही पहला क्या हो जाएगा, बुद्ध। अब बुद्ध लोगों को क्या सिखाएंगे, धम्म। धम्म का अर्थ होता है शांति। तो बुद्ध, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे तो बा से बुद्ध, तो क्या हो जाएगा, बुद्ध। अब बुद्ध क्या सिखाएंगे, धम्म, मतलब कैसे रहो, शांति में रहो, और संघ मतलब क्या होता है, एकता में रहो। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म, तीसरा कौन सा होगा फ्रेंड्स, संघ। इसके बाद देखेंगे कि बौद्ध धर्म किन किन चीजों को मानता है, किन किन चीजों को नहीं मानता है। तो बौद्ध धर्म ईश्वर एवं वेद को नहीं मानता है, ना ही जैन धर्म मानता है। बौद्ध धर्म किन किन चीजों को मानता है, अपन ने फ्रेंड जैन धर्म में क्या पढ़ा था, आत्मा, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म। केवल स्टार्टिंग से आत्मा को हटा देना है, बाकी इन तीनों चीजों को बौद्ध धर्म मानता है। किन किन चीजों को मानता है, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म। तो बौद्ध धर्म में कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म को माना गया है, जबकि ईश्वर एवं वेदों को नकारा गया है। और वेदों की रचना अपन को पता है कहाँ से मानी जाती है, वैदिक सभ्यता से मानी जाती है ना। अब दोस्तों बौद्ध से संबंधित घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। देखिए जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें किसी न किसी प्रतीक चिन्ह से इंडिकेट कर दिया गया था, तो जिन पे अपन अभी फोकस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गर्भ, क्योंकि बच्चे सबसे पहले कहाँ होता है, गर्भ में। गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या था, गर्भ का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। क्या था, हाथी। गर्भ के बाद क्या होता है, व्यक्ति का जन्म होता है। तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, जिस प्रकार कमल खिलता है उसी प्रकार बच्चा भी होता है ना, तो इसी प्रकार जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल की भांति, यानी कि कमल। उसके बाद जब जन्म हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति जवान भी होगा। तो यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या था, यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या था, बुल, बैल या सांड। तो यौवन अवस्था का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। और यौवन अवस्था के बाद उन्होंने क्या किया था, घर का त्याग कर दिया था। तो
तो जो ग्रह त्याग की स्थिति थी, ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े पर बैठकर गए थे। उसके बाद जब उन्होंने घर का त्याग किया तो उन्हें क्या हुआ? फिर उन्होंने तपस्या की, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? तो दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर वे ये क्या करेंगे? उपदेश देंगे। तो जो प्रथम प्रवचन या प्रथम उनका जो उपदेश था, उसको किस चीज से इंडिकेट किया गया? इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र। जिस प्रकार चक्र चारों दिशाओं में गति करता है, उसी प्रकार व्यक्ति के उपदेश या प्रवचन चारों दिशाओं में जाते हैं। अगला देखेंगे, इनका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप, जो कि सांची का स्तूप है, जो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अब कुछ इंपोर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, इनके प्रमुख या प्रिय शिष्य कौन थे? इनके गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली थे। इसके बाद देखेंगे तीन अवस्थाएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली अवस्था, इनके गृह त्याग यानी कि इनके घर के छोड़ने की अवस्था को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया फ्रेंड्स? महाभिनिष्क्रमण। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ देगा तो उसके घर में क्या आ जाएगी? महाविनाशकारी प्रलय आ जाएगी। तो इसी प्रकार इसको देख ले सकते हैं अपन, महाभिनिष्क्रमण, महाविनाशकारी क्या हो जाएगी? प्रलय आ जाएगी। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो इस अवस्था को क्या कहा गया? इस अवस्था को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जिस प्रकार चक्र चारों दिशाओं में गमन पकड़ता है, उसी प्रकार जो उपदेश हैं चारों दिशाओं में जाते हैं। इसीलिए इनका जो प्रथम उपदेश है, इस अवस्था को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसे याद कर सकते हैं, उपदेश तो चारों दिशाओं में फैलेंगे और चक्र भी चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसके बाद मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि किस महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी? मल्ल महाजनपद की। तो इनकी मृत्यु की का प्रतीक चिन्ह क्या था? मतलब किस अवस्था को इनका मृत्यु का बनाया गया था? तो वो अवस्था कैसी थी? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण अवस्था को क्या कहा गया था? इनकी मृत्यु से जोड़ा गया था। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या माना जाता है? बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या माना जाता है? त्रिपिटक। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के विभाजन पर डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ? तो चतुर्थवीं बौद्ध संगति के दौरान ही। कौन सी बौद्ध संगति फ्रेंड्स? चतुर्थवीं। चतुर्थवीं बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था। और ये जो बौद्ध संगति हुई थी, किसके टाइम पीरियड में हुई थी? ये बौद्ध संगति कुषाण वंश के महानतम राजा कनिष्क के टाइम पीरियड पे, ये बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, है ना। और वो दो भाग कौन से थे? हीनयान और महायान। अब ये जानेंगे कि हीनयान और महायान में अंतर क्या था। एक्चुअली था क्या कि कनिष्क के टाइम पीरियड में मूर्ति कला का विकास हुआ था, जिसके कारण मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी। गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, उनकी पूजा कर दी जाती थी। लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। अब अंतर क्या था इन दोनों में? पहला भाग कौन सा था? हीनयान और महायान। जबकि जैन धर्म में कौन सा था? श्वेतांबर और दिगंबर। इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बौद्ध धर्म बौद्ध कैसे थे? महान थे, इसलिए महायान और हीनयान दोनों में यान यान कॉमन है। अब अंतर देखेंगे फ्रेंड्स, हीनयान वाले की ओपिनियन, या हीनयान वाले क्या सोचते थे और महायान वाले क्या सोचते थे, इस पर डिस्कस करेंगे। हीनयान वाले थे, ये पुराने रूढ़िवादी थे। पुराने रूढ़िवादी का मतलब ये पुरानी परंपराओं को फॉलो करते थे, जो स्टार्टिंग का बौद्ध धर्म था उसी को मानते थे। जबकि महायान वाले नवीन विचारधारा वाले थे, नई सोच वाले थे। दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स फैक्ट, ये हीनयान वाले जो लोग थे वो मूर्ति पूजक विरोधी थे, यानी कि ये मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। जबकि महायान जो शाखा थी, इसके जो लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। थर्ड फैक्ट देखेंगे, ये गौतम बुद्ध को किस रूप में देखते थे? ये गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते थे, यानी कि महापुरुष का अपन आइडल यानी कि आदर्श मानते हैं, ना कि उनकी पूजा करते हैं, है ना। इसके विपरीत महायान में देखेंगे, ये
गौतम बुद्ध को देवता के रूप में देखते थे और उनकी पूजा करते थे। ग्रंथों में बात की जाए तो हीनयान शाखा के जो ग्रंथ मिलते हैं केवल पाली भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में फ्रेंड्स? केवल पाली भाषा में। जबकि महायान शाखा के जो ग्रंथ मिलते हैं पाली प्लस संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलते हैं। और संस्कृत को पता ही है आप, संस्कृत का जो उत्थान हुआ था वैदिक सभ्यता से माना जाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि कई बार आए हुए हैं। वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। एक ही दिन तीनों चीजें फैक्ट संबंधित हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए फ्रेंड्स वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बुद्ध के उपनाम, इन्हें किन किन नामों से संबोधित किया जाता था? तो कौन कौन से उपनाम हैं? बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहते थे और शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता था। शाक्यमुनि कैसे याद करेंगे? ये शाक्य कुल के थे और मुनि हो चुके थे, इसलिए कैसे थे? शाक्यमुनि। इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बुद्ध के तीनों उपनाम है, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि एवं तथागत। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें बौद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों प्रमुख बौद्ध संगतियां देखने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष, जिसे क्या नाम दिया गया था? पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया था। उस वृक्ष को किसने नष्ट किया था? उस वृक्ष को बंगाल का शासक था गौड़ शासक शशांक, जिसने नष्ट कर दिया था। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि पीपल की बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? गौड़ शासक शशांक। अब दोस्तों बौद्ध धर्म की सभाएं होती हैं। अब ये सभाएं क्यों होती हैं? बौद्ध धर्म का काफी विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए प्रमुख बौद्ध संगतियां या सभाएं होती हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तीन तो होती है ईसा पूर्व में और एक कब होती है? ईस्वी में। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुई थी? कौन सा स्थान था? राजगृह। और राजगृह पड़ता कहाँ पे? वर्तमान में बिहार में पड़ता है, जो मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, टोटल 16 महाजनपदों में से। अच्छा, इस बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था? इस बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस वंश का शासक था? किस वंश का था? हर्यक वंश का। और इस बौद्ध संगति के दौरान अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन अध्यक्ष था दोस्तों? महाकश्यप। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी बौद्ध संगति पे आएंगे। तो प्रथम कब हुई थी? 483 में से 100 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 383। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। कौन से स्थान पर हुई? वैशाली। किस स्थान पर हुई? वैशाली। और वैशाली कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? वैशाली पड़ता है बिहार में, है ना। इस बौद्ध संगति के दौरान वहाँ का शासक कौन था? इस बौद्ध संगति के दौरान वहाँ का शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक किस वंश का शासक था? कालाशोक शिशुनांग वंश का शासक था। किस वंश का? शिशुनांग वंश का। और इसकी अध्यक्षता, यानी कि इस द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। दोस्तों पहले हम इन्हें देख लेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से पूरा समझ लेंगे, है ना। इसके बाद देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति कब हुई। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व, किसी किसी बुक में लिखा है 255 ईसा पूर्व, लगभग आसपास, है ना। तो पेपर में कभी भी दोनों डेटें एक साथ नहीं आती, 250 ही एनसीईआरटी वाला मानता है तो यही आएगी। तो तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कौन सा था? स्थान था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बिहार पड़ता है। इस तृतीय बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगति के दौरान शासक अशोक था, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस समय अध्यक्ष कौन था? तो इस समय जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? मोगलीपुत्र। क्या नाम था?
मोगली पुत्र, इसके बाद देखेंगे लास्ट चतुर्थवी बौद्ध संगति। चतुर्थवी बौद्ध संगति 72 ईस्वी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईस्वी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस बौद्ध संगति के दौरान किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। इसके बाद देखेंगे उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था? कौन शासक था? कनिष्क, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। इसी बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। वो कौन कौन से थे? हीनयान और महायान, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बसुमित्र और अश्वघोष ने। और अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में रहता था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। अब दोस्तों ट्रिक देख लेंगे इनको याद करने की। यहां देखिए इनके स्थान याद करने की ट्रिक कैसे कर सकते हैं। कोई राज नाम का व्यक्ति किसी के घर में गया, तो उसने, जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो आप उसको बैठने को कहते हो। तो राज नाम का व्यक्ति किसी घर में गया तो क्या कहा गया उससे? बैठो। तो दूसरा क्या हो जाएगा? वैशाली। और उसके लिए क्या मंगाया गया? कोई भी मेहमान आता है सबसे पहले क्या दिया जाता है? पानी। तो राज नाम का व्यक्ति किसी के घर में गया तो उसने उसे क्या कहा? बैठो। तो वैशाली, और उसे क्या दिया? पानी दिया। तो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, तो तृतीय क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। अब उसे पानी कैसे चाहिए था? कुनकुना पानी, यानी कि गुनगुना या कुनकुना पानी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का स्थान कौन सा हो जाएगा? कुंडलवन। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों शासकों को याद कैसे करेंगे। पहला शासक आपको याद हो जाएगा, बकाया सारे सारे हो जाएंगे। पहला है अजातशत्रु। कौन सा है? अजातशत्रु। अब एकदम से अजात, एकदम से कोई सामने आ जाता है, कौन सा काला शत्रु होता है? वो होता है सांप, यानी कि काला शोक। काला क्या होता है? नाम होता है। यानी कि दूसरा शासक कौन था द्वितीय बौद्ध संगति का? काला शोक। अब तृतीय का कैसे याद करेंगे? जैसे ही आप काला शोक को पढ़ेंगे, काला शोक, तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? इसमें निकल रहा है अशोक, काला शोक, यानी कि अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगति का शासक कौन था? अशोक। और अशोक के लास्ट में क्या आ रहा है? अशोक के लास्ट में आ रहा है का, तो का से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? कनिष्क। अब यहाँ अध्यक्ष कैसे याद करेंगे? अध्यक्ष ऐसे याद कर सकते हैं आप, महाकश्यप की लड़की का नाम था सभाकामी। एक स्टोरी बना के आप इसको समझ सकते हैं कि महाकश्यप की लड़की का नाम था सभाकामी। महाकश्यप की लड़की का क्या नाम था? सभाकामी, जिसकी मोगली पुत्र से शादी हो जाती है। अब मोगली आपने सुन रखा है, मोगली कहाँ रहता था? जंगल में। तो वो उसको कहाँ ले जाता है? जंगल में ले जाता है। और जंगल में उसे कौन मिलते हैं? बसुमित्र जी मिलते हैं। तो ये पूरा स्टोरी याद हो जाएगी कि महाकश्यप, महाकश्यप की शादी किससे हो जाती है? महाकश्यप की शादी हो जाती है सभाकामी के साथ। और सभाकामी के साथ शादी होने के बाद, है ना, वो उसको कहाँ ले, महाकश्यप की शादी किससे होती है? सभाकामी के साथ। महाकश्यप की लड़की का क्या नाम था? महाकश्यप की लड़की का नाम था क्या? सभाकामी, जिसकी शादी किससे हो जाती है? मोगली पुत्र से हो जाती है। अब मोगली उसको कहाँ ले जाता है? मोगली उसको जंगल में ले जाता है, जहाँ उसकी भेंट किससे होती है? बसुमित्र जी और अश्वघोष से, है ना। तो इसको आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, है ना।